हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम बाय फ्रेशा। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई लुक के साथ। तो आज के जो ये लुक आप देख रहे हैं, ये लुक मैं आज क्रिएट करने वाली हूँ, जिसमें एक बहुत ही बोल्ड डायनामिक सा आई लुक होने वाला है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि काजल लगाने के बाद उनकी आंखें छोटी दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी नहीं लगती, हालांकि वह आंखें उनकी बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, और हुडेड आइज वालों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि काजल जब वो लगाते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरी आंखें इस वक्त कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही हैं एकदम। ये आई लुक जो है ना, वो मुझे श्रीदेवी काइंड ऑफ आई लुक लग रहा है। उनकी भी आंखें हमेशा ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी करके दिखाई जाती थी वाइट काजल के साथ। तो आज उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इस आई लुक को ध्यान से देखें, उसके बाद जब आप अपना काजल लगाएंगे तो आपकी आंखें जो हैं छोटी छोटी नहीं बल्कि एकदम बड़ी बड़ी लगाएंगी। ठीक है जी, तो प्यारा सा ये आई लुक और ये लुक जो क्रिएट करा है, इसको सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, बीच बीच में मैं टिप्स बताती रहती हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसमें मैंने मोस्टली आई लुक को ही ज़्यादा एक्सप्लेन करा है। फुल लुक तो आपको पता है कि बाकी जो फेस मेकअप है वो अपने हर वीडियो में मैं बताती हूँ तो एक ही जैसा होता है। तो आज डिटेल में मैंने इस आई लुक को आपको बताया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप तक ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव अच्छी और प्यारी सी लुक वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, इंट्रो पूरा हो गया और जल्दी से आते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, फेस प्रेप मैंने अपना कर लिया है कंप्लीट अच्छे से। जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। स्नेल म्यूसिन और एम्ब्रोसिस का मॉइस्चराइज़र या सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, दोनों में से कोई भी जो भी आपको सूट करता हो स्किन प्रेप के लिए आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, आज यूजुअल से हट के मैं पहले करने वाली हूँ अपना आई मेकअप, इसीलिए मैंने अपनी आईब्रोज जो हैं उनको फिलअप कर लिया है। और काफ़ी अजीब सा लग रहा है, बहुत से लोग आई मेकअप पहले करते हैं बाद में फेस कंप्लीट करते हैं, मैं पहले फुल मेकअप फेस मेकअप कर लेती हूँ और बाद में आई मेकअप करती हूँ। सॉरी फॉर दैट। तो जी, आज मैं पहले करने वाली हूँ अपना आई मेकअप। तो मैंने आईब्रोज अपनी कर ली हैं फिल, अब इन्हें हम नीट अप करेंगे कंसीलर के साथ और आई लिड को अपना जो है एक बेस देंगे। एक फ्लैट ब्रश पे हम कंसीलर लेंगे और अपनी आईब्रो को क्लीन करेंगे शेप के अकॉर्डिंग आराम से। मैं क्योंकि अपने आईब्रोज प्लक नहीं कराती हूँ तो थोड़ा सा इसमें आपको दिख सकता है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और सेम ऐसे ही हमने ऊपर की तरफ भी इसे कर्व करना है। इसी तरीके से दोनों साइड पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे शेप दे दिया है, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा, अब इसे एक पाउडर के साथ कर लेंगे सेट, किसी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ या कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अब इसे जो है सेट कर सकते हो। इस टेक्निक की बेस्ट बात ये होती है कि अगर आप बिगनर हो और आप आई शेडो में इतने परफेक्ट नहीं हो, तो जब आप आई लुक करते हो तो बहुत सारा शेडो जो है फॉल आउट होता है, ग्लिटर्स फॉल आउट होते हैं, तो अगर आपने फेस मेकअप किया हुआ होता है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। तो अगर आपने कुछ ऐसा आई लुक करना है तो पहले आप अपने आईज़ कर लो, बाद में आप फेस कर लो। तो जब आप आईज़ डन हो जाते हैं आपके, तो उसको निकालना आसान रहता है। ठीक है, बस उसमें केयरफुल थोड़ा ये होना पड़ता है कि जब आप करते हो तो जब आप फाउंडेशन अप्लाई करो तो आपके ब्रोज और आई लुक ज़रा जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इसे कर लेंगे सेट। अरे जी, मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का, क्योंकि मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें जो है वो कलर्स अवेलेबल हैं और इनकी पिगमेंट भी ज़्यादा अच्छी है। ये इजीली आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हो, आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है और ये एक अच्छा
पैलेट है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी आई शेडो पैलेट से जो आपके पास अवेलेबल है, जिसकी पिगमेंट अच्छी है, आप ये लुक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही प्रोडक्ट्स लेने हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक ऐसा एंगल ब्रश लेना है फ्लैट वाला, और उस पर डार्क ब्राउन कलर का शेडो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेके आपने पहले एक लाइन क्रिएट करनी है जहाँ आपको करना है अपना कट क्रीज, ठीक है। इस तरीके से आप पहले ऐसे लाइन लगा लें जिस शेप में भी आपको चाहिए, उसके बाद आप लेके इसे हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लें। ये भी कट क्रीज का एक बहुत इजी सी टेक्निक है जिससे आप इजीली कर सकते हो, इतना ज़्यादा उसके नहीं है। फिंगर आपने अपनी यहाँ रखनी है, अगर आपका ब्रश अच्छे से स्टेबल नहीं होता है तो आपने ये फिंगर अपनी यहाँ रखनी है और इजीली हल्के हल्के आपने लाइन ड्रॉ करनी है। आई मेकअप में ना बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस की ज़रूरत होती है और धीरे धीरे आपने करना होता है। एकदम से आप डार्क सा कर लोगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपने एक हल्की सी लाइन ये ड्रॉ कर ली है, आप अपनी आईज ओपन करके देखो ना तो ये कट क्रीज दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपके सॉकेट के अंदर चले जाए, आपका जो ये सॉकेट एरिया होता है इसके ऊपर आप एक पहले हल्की लाइन ड्रॉ कर लो, तो आपको पता रहेगा कि इसके ऊपर शेड की ब्लेंडिंग आपने किस तरीके से करनी है। अच्छा जी, लाइन हमने क्रिएट कर ली है और उसे ब्राउन के साथ डार्क कर लिया है, अब हमें इसे जो है ब्लेंड करना है। तो मैं इस टाइप का जो पीच सा शेड है मेरे पैलेट में उसके साथ मैं इसे ब्लेंड करूंगी, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ पीच एज अ ट्रांजिशन शेड चाहिए और पिस्ता कलर जो मेरा ये शेड है उसको मैं अपने लिप पे अप्लाई करूंगी, ठीक है। ये कर लिए, इससे आपको कट क्रीज करना आसान होता है। ऐसा एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, उस पर हम पीच सा शेड लेंगे और फिर हल्के हल्के इसको इस लाइन के पास से धीरे धीरे ब्लेंड करना शुरू करेंगे। जब आप ये वाला काम करते हो तो इसके लिए जितना आप स्मॉल ब्रश लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, जिसपे आपकी ग्रिप अच्छी हो। आपने फिंगर ऐसे रखनी है और इसी लाइन में धीरे धीरे दोनों कलर्स को जो है मर्ज करते जाना है। ज़्यादा बड़े ब्रश से नहीं, जब बारीक काम करना होता है ना तो उसके लिए स्मॉल सा ब्रश लेना ज़रूरी है। धीरे धीरे हल्के हाथ से हमें इन शेड्स को आपस में ब्लेंड कर लेना है कि अलग से हार्श लाइन नहीं पता चलना चाहिए। अब एक फ्लफी से क्लीन ब्रश के साथ हमें इसे ब्लेंड आउट कर लेना है ताकि ऊपर की भी जो एक्स्ट्रा लाइन है ना वो मर्ज हो जाए। जी, सेम एंगल ब्रश के साथ हमने ब्राउन शेडो को ऊपर की लाइन से करना है कनेक्ट और स्मच कर देना है। एक थिक ब्रश के साथ ब्राउन शेड के लेके हम अपने आउटर कॉर्नर को डार्क करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये कलर काफ़ी लाइट है तो ये अच्छे से पॉप आउट हो, इसके लिए मैं सेम कलर का बेस पहले अप्लाई करूँगी, उसके बाद आई शेडो अप्लाई करूँगी। इसके ऊपर से मैं अप्लाई करूँगी अपना पाउडर शेडो और इसका कलर देखें कितने अच्छे से ना पॉप हो गया। अब तो ब्राउन और ग्रीन शेड के बीच में पीच शेड को मर्ज कर सकते हो एक ब्लेंडेड लुक देने के लिए। डार्क ब्राउन शेड के साथ लोअर लैश को भी ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी बिक का लाइनर यूज कर रही हूँ। आई लुक को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैं कट क्रीज की जो लाइन है उस पर लगा रही हूँ ग्लिटर लाइनर। अच्छा जी, लैशेस मैंने अप्लाई कर लिए हैं और आई एम नॉट अ वाइट लाइनर टाइप ऑफ अ पर्सन, लेकिन आज मैंने जो है अपनी वाटर लाइन पे यूज़ करा है शी ग्लैम का वाइट लाइनर, तो वाटर लाइन पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है
ब्राइडल लुक अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप ये लगा सकते हो, इससे आपकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं। और इसके नीचे आपने जो है ब्लैक काजल, हाँ जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि काजल लगाने के बाद उनकी आंखें जो है वो छोटी छोटी लगने लगती हैं, तो आप वाइट लाइनर जो है और ये बहुत अच्छा है, इसको अपनी वाटर लाइन पर लगाएं और नीचे आपने जो है ब्लैक अपना काजल जो भी है वो लगा के उसे अच्छे से स्मच कर देना है, तो इट्स लुक प्रिटी। अपना पूरा मेकअप डन करती हूँ और फिर आती हूँ। तो ये रही जी आज की फुल लुक। अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।